हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए का पाठ पद परिचय। और पद परिचय हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपकी परीक्षा में 4 अंक का होता है। और पाठ प्रारंभ करने से पहले एक जनरल रिमाइंडर, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पद परिचय। पद परिचय समझने से पहले हमें समझना होगा कि पद क्या होता है, और पद भी समझने से पहले हमें समझना होगा कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो पहले जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, यानी एक से अधिक अल्फाबेट से बने हुए वर्ड्स शब्द कहलाता है। और ये एक सार्थक वर्ण समूह होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। ये सभी शब्द हैं क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए हैं और सार्थक हैं। सार्थक से तात्पर्य जिसका कुछ अर्थ होता है। तो सोहन, खीर, वीरा, खेलता, इन सब का एक अर्थ है, इसलिए ये शब्द है। अब पद क्या होता है? जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं सोहन, खीर, मीरा, खेलता, ये स्वतंत्र हैं, इनका हमने अभी वाक्यों में प्रयोग नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द हैं। जब तक शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता तब तक शब्द कहलाता है, लेकिन जैसे ही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह शब्द ना होकर पद बन जाता है। यहाँ हमने पढ़ा ना कि जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। कोई शब्द व्याकरण के नियमों में कब बंधेगा? जब वह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द शब्द ना रहकर पद बन जाता है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष आदि के नियमों में बंध कर शब्द जो है वो पद बन जाता है। तो आशा करती हूँ आपको पद और शब्द का जो अंतर है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे, इन वाक्यों में ये सभी जो है वो शब्द हैं। सीता एक शब्द है, गाती है, गाती एक शब्द है, और है एक शब्द है। लेकिन जैसे ही हमने इनको इस वाक्य में प्रयोग करा है तीनों शब्दों को, तो ये शब्द शब्द न रहकर पद बन गए हैं। जैसे ईश्वर रक्षा करे, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जैसे ही हमने इनको वाक्य में प्रयोग किया ये शब्द न होकर पद बन गए हैं। अब पद परिचय के बारे में और थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पद परिचय का अर्थ होता है पदों का अन्वय अर्थात विश्लेषण, अर्थात वाक्य में प्रयोग होने वाले प्रत्येक पद का विश्लेषण, व्याकरण की दृष्टि से उसका विश्लेषण करना पद परिचय कहलाता है। हिंदी व्याकरण में इसके भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। इसको पदान्वय, पद निर्देश, पद विन्यास, पद निर्णय आदि भी कहा जाता है। ये सभी पद परिचय के ही पर्यायवाची हैं। तो कहीं आपको अगर ये शब्द पढ़ने के लिए मिल जाएं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब जो हैं वो पद परिचय के ही पर्यायवाची शब्द हैं। पद परिचय में वाक्यों में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों को व्याकरण सम्मत विशेषताएं बताई जाती हैं। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्यों के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बनाना पद परिचय कहलाता है। इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग होने वाले प्रत्येक पद की अपनी अलग विशेषता और अपना अलग परिचय होता है। और अब जानते हैं कि पद के कितने भेद होते हैं। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण, क्रियापद, और पांचवा है अव्यय। अव्यय में आप क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आदि का भी अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पद परिचय में हम पदों का परिचय इन आधारों पर करते हैं।
तो चलिए पद परिचय को और विस्तार से समझते हैं कि संज्ञा पदों का पद परिचय हम किस प्रकार देंगे। संज्ञा पदों का अन्वय करते समय यानी परिचय देते समय, विश्लेषण करते समय हम क्या क्या बताएंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जब आप किसी वाक्य में किसी पद का संज्ञा के आधार पर परिचय देंगे तो संज्ञा के भेद भी आप अवश्य बताएंगे कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है, और लिंग बताएंगे स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है, वचन एकवचन है या बहुवचन है, कारक और अन्य पदों का परिचय देते हुए अन्य पदों से उसका संबंध भी दिखाना चाहिए कि इस पद का दूसरे पदों से क्या संबंध वाक्य में है। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मान लीजिए आपको बीरबल अंडरलाइन वर्ड है, इसका परिचय देना है, इस पद का आपको वाक्य में परिचय देना है, तो आप कैसे देंगे। बीरबल क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बीरबल एक व्यक्ति है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और बीरबल पुल्लिंग है, इसके अलावा एक वचन है, और यहाँ पर संबंध कारक होगा क्योंकि बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। संज्ञा के अलावा हम कारक बताएंगे वाक्य में। कारक क्या होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। जैसे राम ने डंडे से घोड़े को पीटा, रीता कलम से लिखती है, तो इन वाक्यों में ने से कारक हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं कि कारक कौन कौन से होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनके चिन्ह हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। तो जहाँ इन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वहाँ इनसे संबंधित कारकों का हम नाम पद परिचय में लिखेंगे। आगे आता है सर्वनाम पदों का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम के भेद कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है ये बताएंगे। उसके अलावा पुरुष बताएंगे, कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। उसके अलावा लिंग बताएंगे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और वचन बताएंगे, एकवचन है या बहुवचन है, और कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है कि वाक्य में इस पद का दूसरे पदों के साथ क्या संबंध है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह अपना काम करती है, तो इस वाक्य में वह और अपना दो पदों का हमें परिचय देना है, जो कि इस प्रकार है, वह सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष है, इस प्रकार हम इसे लिखेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके अलावा वह क्योंकि काम करती है, करती से हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि यह एक स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है। अपना के विषय में हम यहाँ पर बताएंगे निजवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम का निजवाचक भेद है, और अन्य पुरुष है, और पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। आगे जो पद का परिचय आपको देना होता है वह है विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह लिंग, वचन, कारक और विशेषण बताना चाहिए। जैसे एक वाक्य है आपके पास, राम अमूल्य गुणों की खान है। इस वाक्य में अमूल्य विशेषण है, तो उसका पद परिचय हम किस प्रकार करेंगे। अमूल्य गुणवाचक विशेषण है, और पुल्लिंग है, बहुवचन है, संबंध कारक है, और गुणों इसका विशेष है। इस प्रकार से हम अमूल्य पद का परिचय देंगे। आगे है आपका क्रिया का पद परिचय।
क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार बताना चाहिए, अकर्मक है या सकर्मक क्रिया है, उसका वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, यह सब कुछ हमें इसमें बताना चाहिए। अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अंतर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जहाँ क्रिया में कर्म दिया हुआ होता है, जहाँ वाक्य में कर्म दिया हुआ होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ कर्म दिया हुआ नहीं होता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे आप इस वाक्य में देखिए, वह जाता है, इसमें जाता पद का हमें परिचय देना है। इस वाक्य में जाता है क्रियापद है, इसका अन्वय इस प्रकार होगा, इसका परिचय इस प्रकार होगा, अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, सामान्य वर्तमान काल है, अन्य पुरुष है और पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इस प्रकार आपने समझा कि क्रिया का पद परिचय हम किस प्रकार से देंगे। और इस श्रेणी में आप आगे देंगे अव्यय का पद परिचय, अव्यय यानी अविकारी शब्द। इसमें आप अव्यय के भेद बताएंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, और उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण का प्रकार और जिस क्रिया की यह विशेषता प्रकट करे उस पद का उल्लेख करना चाहिए। और क्रिया विशेषण का पद परिचय हम इस प्रकार देंगे। क्रिया विशेषण पहले समझ लेते हैं होता क्या है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए हमें। क्रिया विशेषण के भेदों की जानकारी हमें देनी चाहिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या दिशावाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके पश्चात उसका उपभेद बताएंगे। जैसे परिमाणवाचक है तो निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है, और विशेषण क्रिया का निर्देश इसमें देंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं, वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। तो आपके वाक्य में रोज सवेरे और धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है, इनका पद परिचय देखते हैं कैसे होगा। रोज सवेरे का पद परिचय हम कैसे देंगे, क्रिया विशेषण है क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन सा भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि रोज सवेरे टहलती है और टहलती है क्रिया का विशेषण है। धीरे धीरे को देखते हैं क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि धीरे धीरे टहल रही है, उसके जो टहलने का तरीका है वो धीरे धीरे है, तेज गति से भी टहल सकती है, जल्दी जल्दी भी टहल सकती है, तो यहाँ पर धीरे धीरे टहल रही है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और टहलती है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार हमने इसका पद परिचय किया। समुच्चय बोधक का परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी हमें देनी चाहिए, भेद और या तथा लेकिन किंतु परंतु इसलिए। जैसे आपने वाक्य भेद में पढ़ा था समुच्चय बोधक योजक कौन कौन से होते हैं और उसका उपभेद आप बताएंगे, और संयुक्त शब्द अथवा वाक्य। जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं, सीमा और राहुल भाई बहन है, तो यहाँ पर और जो शब्द प्रयोग किया गया है वह क्या है उसका पद परिचय देखते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक से तात्पर्य है जो सीमा और राहुल को जोड़ रहा है, और समुच्चय बोधक सीमा और राहुल को जोड़ रहा है, और समानाधिकरण योजक है। सीमा और राहुल शब्दों को यह जो योजक है वह मिला रहा है, इस प्रकार इसका पद परिचय होगा। अव्यय संबंध बोधक किस प्रकार से हम इसका पद परिचय करेंगे देखते हैं। संबंध बोधक का परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए, भेद, ऊपर नीचे पीछे बाहर भीतर बिना सहित आदि, पदों पदबंधों वाक्यांशों के साथ क्या संबंध है उसका निर्देश देना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, तो हमें के पीछे का पद परिचय देना है, कैसे होगा देखते हैं। के पीछे संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि ये स्कूल के पीछे
विद्यालय और खेल के मैदान का संबंध आपस में बता रहा है, इसलिए संबंध बोधक है। और स्थानवाचक है, कहाँ पर, स्थान के विषय में बता रहा है कि विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, स्थानवाचक है। और विद्यालय का संबंध अन्य पदों से जोड़ने वाला है, विद्यालय का संबंध वाक्य में आए अन्य पदों से जोड़ने वाला क्या है, के पीछे है। तो इस प्रकार से हम संबंध बोधक का पद परिचय करेंगे। आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए, उसके भेद, शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य आदि भाव, और कहाँ कहाँ हमें कैसे पता चलेगा। जहाँ विस्मयादि बोधक शब्दों तथा विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे विस्मयादि बोधक है। कौन कौन से शब्द और कौन कौन से चिन्ह हो सकते हैं, अरे, ओह, हाय, शाबाश आदि इत्यादि और भी होते हैं। और सूचक भाव बताएंगे कि ये किस भाव की सूचना दे रहा है यहाँ पर। जैसे उदाहरण देखिएगा, शाबाश, बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर हमें शाबाश शब्द का जो है वो पद परिचय देना है। तो ये अव्यय है और विस्मयादि बोधक अव्यय है। और क्या बता रहा है, किस चीज़ की सूचना दे रहा है, हर्ष की सूचना दे रहा है। हम हर्ष के कारण बिट्टू की प्रशंसा कर रहे हैं शाबाश शब्द के द्वारा। इस प्रकार ये हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य एक और देखते हैं, हाय, बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। हाय अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है और शोक सूचक है, दुख जता रहा है कि बाढ़ के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है, शोक की सूचना दे रहा है, इसलिए ये शोक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया है। इस प्रकार से हम विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय करेंगे। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि हम किस प्रकार से पद परिचय कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। इस वाक्य में हमें प्रयोग होने वाले प्रत्येक शब्द का पद परिचय देना है। किस प्रकार देंगे देखते हैं। पहले मैं देखते हैं, मैं क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम का पुरुषवाचक भेद है और उत्तम पुरुष है। इस प्रकार से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक वचन है, क्योंकि पहनता शब्द प्रयोग किया गया है तो एक वचन है। कर्ता कारक है और पुल्लिंग है। पहनती हूँ यदि यहाँ पर होता तो स्त्रीलिंग होता, क्योंकि पहनता हूँ प्रयोग किया गया है इसलिए पुल्लिंग है, और पहनता हूँ क्रिया का कर्ता भी है। ये इस वाक्य में कर्ता जो है वो मैं है। इस प्रकार से हमने मैं का पद परिचय किया। दूसरा शब्द देखते हैं, सफ़ेद। सफ़ेद क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये कपड़े की विशेषता बता रहा है कि वह सफ़ेद है। तो विशेषण का गुणवाचक भेद है, गुणवाचक विशेषण ये हुआ। और पुल्लिंग है, बहुवचन है, और विशेष्य इसका कपड़े हुआ। कपड़े का पद परिचय देखते हैं, संज्ञा है, और संज्ञा का जातिवाचक भेद है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, क्योंकि हमने यहाँ पर कपड़ा नहीं कहा, कपड़े कहा है, तो यहाँ पर ये बहुवचन हुआ और कर्म कारक हुआ। आगे देखते हैं, पहनता हूँ, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म दिया हुआ है। क्या पहनता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, इस प्रकार से सकर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन और अन्य पुरुष है, और कर्ता इसका क्या है, मैं है। इस प्रकार से हमने इस वाक्य का पद परिचय करके देखा। एक और उदाहरण देखते हैं, सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं। यहाँ हमें सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं, यानी सभी शब्दों का पद परिचय देना है। कैसे देंगे देखते हैं। सरोवर में संज्ञा है और संज्ञा का जातिवाचक भेद है। पुल्लिंग है, सरोवर पुल्लिंग है, और एक वचन है, एक ही सरोवर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और अधिकरण कारक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैं का प्रयोग किया है। कमल पुष्प संज्ञा, संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद है, और पुल्लिंग है बहुवचन, कर्ता कारक है, खिल रहे हैं क्रिया का कर्ता है। अब देखते हैं, खिल रहे हैं का हम पद परिचय कैसे देंगे। यह है क्रिया है, खिल रहे हैं क्रिया, और सकर्मक क्रिया है। क्या खिल रहे हैं, कमल पुष्प खिल रहे हैं,
इस प्रकार से इसमें कर्म दिया होने के कारण ये सकर्मक क्रिया हुई। और बहुवचन है, रहे हैं, एक पुष्प नहीं खिल रहा है, अनेक पुष्प खिल रहे हैं, इस प्रकार से ये बहुवचन हो गया। और पुष्प क्योंकि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया, और कर्तृवाच्य ये हो गया है। इस प्रकार से हमने इस पूरे वाक्य का पद परिचय करके देखा। एक और वाक्य देखते हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चीन गए। प्रधानमंत्री जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, और डॉक्टर मनमोहन का समानाधिकरण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देखते हैं क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें सूचित कर रहा है। और पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और गए क्रिया का कर्ता है। जो क्रिया है गए, उसको करने वाले कौन हैं? मनमोहन सिंह जी। इस प्रकार से गए क्रिया का कर्ता मनमोहन है। चीन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक है। गए अकर्मक क्रिया है, एक वचन, भूतकाल और कर्तृवाच्य है, क्योंकि ये गए वर्तमान काल की बात नहीं हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल आएगा। और कर्तृवाच्य है, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा वाच्य कर्तृवाच्य कैसे होते हैं। छात्र पत्र लिख रहा है, इसमें छात्र जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी एक विशेष छात्र के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरी छात्र जाति के विषय में बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा। और पुल्लिंग है, हमने छात्राएं नहीं कहा, हमने छात्र कहा है, इसलिए पुल्लिंग है। और एक वचन है, कर्ता कारक है, लिख रहा है क्रिया का कर्ता है। लिख रहा है, कौन लिख रहा है? छात्र लिख रहा है, इसलिए इस क्रिया को करने वाला जो है वो छात्र है। इस प्रकार से ये लिख रहा है क्रिया का कर्ता हो गया। पत्र क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, और कर्म कारक है। लिख रहा है सकर्मक क्रिया क्योंकि कर्म दिया हुआ है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, और एक वचन हो गया है, पुल्लिंग है, और कर्तृवाच्य है क्योंकि छात्र पत्र लिख रहा है। छात्र के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, हमने ये नहीं कहा, छात्र पत्र लिख रहा है, इस प्रकार कर्तृवाच्य हो गया है। एक और वाक्य देखते हैं, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। अध्यापिका जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी विशेष अध्यापिका का नाम लेकर यहाँ पर बात नहीं की गई है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है क्योंकि यहाँ पर पढ़ा रही है शब्द इस्तेमाल किया गया है। और एक वचन है, एक अध्यापिका के विषय में, अध्यापिकाएं हमने नहीं कहा, एक अध्यापिका के विषय में बात हो रही है, इसलिए एक वचन है। और कर्ता कारक है, पढ़ा रही है क्रिया का कर्ता अध्यापिका है। हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक है। पढ़ा रही है सकर्मक क्रिया है क्योंकि हमें कर्म दिया हुआ है। क्या पढ़ा रही है? हिंदी पढ़ा रही है। इस प्रकार से कर्म दिया होने के कारण सकर्मक क्रिया हुई। एक वचन और वर्तमान काल है, पढ़ा रही हैं, इसलिए वर्तमान काल हुआ। और स्त्रीलिंग है, अध्यापिका कर्ता की क्रिया है। इस प्रकार से हमने देखा कि इस वाक्य का पद परिचय हमने किस प्रकार किया। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि पद परिचय कितना आसान और सहज है, परंतु जब तक आपको व्याकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, संज्ञा क्या होता है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण क्या होता है उसके भेद, और अव्यय किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया क्या होता है, तब तक ये आपको थोड़ा कठिन लगेगा। इसके लिए आप सबको एक बार इन सब का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो यह था पाठ पद परिचय। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी मुझे बता सकते हैं कि यदि आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं, या इस विषय के बारे में भी और कुछ वाक्यों का पद परिचय जानना चाहते हैं, तो मैं अवश्य एक वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ आप परीक्षाओं में मनवांछित परिणाम अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।